एवरीबडी वेलकम टू माई चैनल बेस्ट होली। टुडे इज माई टॉपिक नेफ्रॉन। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है इसके इंट्रोडक्शन जानेंगे, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन कितने टाइप्स के इसके पार्ट्स रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। इट इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, ऑल्सो नो एज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनी। ईच किडनी हैज़ अबाउट 1 to 3 million नेफ्रॉन। मीन्स स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट्स का मीन्स क्या होता है, मीन्स जो किडनी है वो नेफ्रन से मिलकर बनी होती है, राइट। और जो फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, इसका मीन्स क्या रहता है, जो किडनी है वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो बेसिक यूनिट है वो भी नेफ्रन है। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है ये क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जो आपने कभी खुली आंखों से देखा ही नहीं होगा। मीन्स ऐसे स्ट्रक्चर्स जो अपने को खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, नॉर्मल विजन से भी नहीं देखते, ठीक है, यानी कि नॉर्मल विजन से भी हम नहीं दिखते हैं, तो वो होते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि हर किडनी के अंदर 1 to 3 million नेफ्रॉन्स होते हैं, राइट। तो इसमें आ जाता है पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। तो कौन कौन से हैं, रेनल कॉर्पसल एंड रेनल ट्यूबल्स। तो हम वन बाय वन करके इन पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसमें है रेनल कॉर्पसल, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल, इट फिल्टर ब्लड एंड फ्रॉम फिल्ट्रेट। यानी कि ये क्या कहा है, ये मेनली टू टाइप्स के रहते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के, टू टाइप्स के रहते हैं। रेनल कॉर्पसल में टू स्ट्रक्चर्स आते हैं, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल, ठीक है। यानी जैसे आपने कभी कोई डायग्राम देखा होगा जिसमें ये शो करता है कि जो कैपिलरीज का जो नेटवर्क है इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये कैप शेप की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। आपने कभी देखा होगा जो बोमेन का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इस टाइप से होता है। आपने कभी देखा होगा फिल्टर करता है उसे, इसमें एक छलनी लगी होती है, ठीक है। तो उसे क्या हम बोलते हैं, बोमेन यानी कि कैप्सूल बोलते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है कि जो कैपिलरीज का जो नेटवर्क है उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। जो एक कैप शेप स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। इनका काम क्या होता है, ये ब्लड को क्या कहते हैं, फिल्टर करते हैं और फिल्ट्रेशन का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। और ये ब्लड को फिल्टर करके फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सेकेंड आ जाता है इसके अंदर रेनल ट्यूबल्स, यानी कि PCT, DCT एंड लूप ऑफ हेलने एंड फिल्ट्रेट फ्लूइड एंड पासेस थ्रू इट। मीन्स इसमें कहा गया है कि सेकेंड जैसे पार्ट होता है कि रेनल ट्यूबल्स, इन ट्यूबली में क्या क्या होता है, PCT, DCT, लूप ऑफ हेलने, ठीक है। इनका क्या काम होता है, जो फिल्टर फ्लूइड होता है, फिल्टर होके फ्लूइड आ रहा है उसको पासिस करना, उसको पास करने का काम किसका होता है, PCT, ठीक है, DCT, लूप ऑफ हेलने का। तो इसमें क्या होता है, जो आपने जैसे मैं बता देते हैं रेनल ट्यूबल्स, इसके अंदर जो स्टार्टिंग का जो स्ट्रक्चर होता है ये मतलब PCT जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है ये लूप ऑफ हेलने होता है, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है DTC। तो इसमें है जैसे रेनल कैप्सूल्स हैं, तो इसमें हम पूरी इसकी डिटेल पढ़ेंगे। ग्लोमेरुलस इज ए नेटवर्क ऑफ अप टू 50 ब्लड कैपिलरीज and which called glomerulus and capillaries. These capillaries are formed by the frequent divisions of different arterioles and these capillaries are made up by a single layers of endothelial cell with many pores. Means इसमें कहा है कि जैसे हमने अभी पढ़ा था कि glomerulus और बोमेन capsules सबसे पहले क्या करते हैं, glomerulus को देखते हैं। जो glomerulus होता है उसके अंदर 50 ब्लड कैपिलरीज होती है, ठीक है, कितनी होती है, 50 ब्लड कैपिलरीज होती है, राइट। तो ये कैपिलरीज जो है छोटी छोटी है, ये लगभग 50 के आसपास कैपिलरीज है एक ग्लोमेरुलस में, इन्हें बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, ठीक है। और ये कैपिलरीज होती हैं कि अफ्रेंट, राइट, यानी कि अफ्रेंट आर्टियोल फ्रिक्वेंट डिविजन से बना है। अफ्रेंट आर्टियोल्स आया तो इसके अंदर फ्रिक्वेंट डिविजन होगा, मीन्स डिवीजन होने के बाद इन कैपिलरीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट, यानी कि इन कैपिलरीज का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या होगा, और जो ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज हैं वो सिंगल लेयर्स ऑफ
क्या करें कि इसमें एंडोथेलियल सेल की बनी होती है और विद मैनी पोर्स मीन्स इसमें स्मॉल स्मॉल होल होते हैं, उसी से ही ब्लड फिल्टर होकर यूरिन का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आएगा जिस इसमें है दिस पोर्स हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन, यानी कि जो पोर्स होंगे कैपिलरीज के अंदर वो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें जैसे नेक्स्ट आया ग्लोमेरुलर कैपिलरीज अगेन यूनिट ऑफ फॉर्म एंड एफरेंट आर्टियोल्स, यानी कि डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टियोल्स मीन्स जो ग्लोमेरुल्स की कैपिलरीज हैं ये सभी यूनाइट होकर और मिलकर एफरेंट आर्टियोल बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इसमें है ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोमिन कैप्सूल और डबल वॉल कप दैट सराउंडेड द एनक्लो की, इसमें ग्लोमेरुल्स की कैपिलरीज है, इसको सराउंड करने वाला डबल वॉल कप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलेंगे बोमेन कैप्सूल। नेक्स्ट है फिल्टर्ड यूरिन फ्रॉम ग्लोमेरुल्स अगेन फिल्टर्ड इन बोमेन कैप्सूल एंड देन एंटर्ड इन रेनल ट्यूबल्स, यानी कि जो यूरिन फिल्टर होगा ग्लोमेरुल से फिल्टर हुआ वो बोमेन से कैप्सूल में वापस से फिल्टर होगा, वहाँ से फिल्टर होने के बाद जाएगा वहाँ से जाएगा रेनल ट्यूबल्स में। ठीक है, इसको नेक्स्ट आ जाएगा इसमें है रेनल ट्यूबल्स, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट डीसीटी पीसीटी एंड लूपोम हेनले। ये क्या होता है कि यानी कि इसमें कहा गया है जैसे ये रेनल ट्यूबल्स के तीन पार्ट होते हैं कौन कौन से, डीटीसी पीसीटी एंड लूपोम हेनले। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें जो ये पीसीटी जिसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड कॉन्वोलेटर ट्यूबल्स। ठीक है, इट इज़ ए टाइटली कॉल्ड इज द ट्यूबल्स आफ्टर बोमेन कैप्सूल। ठीक है, यानी कि बोमेन कैप्सूल के बाद बोमेन कैप्सूल के बाद ये टाइटली कूल स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं पीसीटी। राइट, नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा वॉल इज मेड अप बाय सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिटल एपिथेलियम सेल ऑल्सो एंड कोल्ड ब्रश बॉर्डर सेल हेयर द एंड प्रोजेक्शंस टूवर्ड्स एंड लिवन टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जर्वेशंस। यानी कि जो ये कि क्या होता है कि वॉल होती है, ठीक है, जो एक ये इसमें एक वॉल होती है क्यूबिटल एपिथेलियम सेल की बनी होगी, इसके इनर साइड में ब्रश बॉर्डर सेल होंगे, स्मॉल स्मॉल बॉर्डर सेल होगी जो कि रीऑब्जर्वेशन को बढ़ाएगी, मीन्स पीसीटी के अंदर से रीऑब्जर्वेशन को बढ़ाती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले एंड इसमें है मेलुलरी लूप, यानी कि इसमें क्या क्या है कि इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। जैसे इसमें है नेक्स्ट आते हैं इट कनेक्ट पीसी टू डीसीटी, यानी कि इसमें कहा गया है पहले पीसीटी था, ठीक है, यानी कि पीसीटी था, अब इसने पीसीटी को डीटी से कनेक्ट करने वाली लूप होगी। ठीक है, इसे बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट इसमें आएगा लूप ऑफ हेनले मेड बाय सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिटल एपिथेलियम, जो ये लूप है यानी कि जो ये जो लूप ऑफ हेनले होगा ये सिंगल लेयर क्यूबिटल एपिथेलियल से बना होता है। ठीक है, दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड डिप्स इनटू द रेनल एंड मेडुला, इट डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स। ये जो पार्ट होता है रेनल मेडुला के अंदर आता है, ये थ्री पार्ट में डिवाइड होता है, कौन कौन से होता है इसमें, इसमें है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड हेयर पिन बैंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो ये थ्री पार्ट्स होते हैं। तो इसमें आ जाता है डिजिटल एंड कॉन्वोलेटर ट्यूबल्स डीसीटी, तो इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें है दिस ट्यूबल्स मेड बाय सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिटल एपिथेलियम, यानी इसमें कहा है ये जो ये डीटीसी है, ठीक है, ये जो डीसीटी होता है ये क्यूबिटल एपिथेलियम सिंगल से बना हुआ होता है। ठीक है, सिंगल लेयर से बना हुआ होता है। इसमें है इट ऑल्सो कंटेन्स एंड प्रिंसिपल्स सेल वेन एंड रेगुलेट बाय ADH2 रीऑब्जर्वेशन वाटर, यानी कि इसके अंदर प्रिंसिपल सेल होते हैं जो कि ADH होते हैं, इसके ही थ्रू रेगुलेट होते हैं जो कि रीऑब्जर्वेशन और वाटर का काम करते हैं। दिस सिगमेंट ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग ट्यूबल्स, यानी कि जो ये सिगमेंट होते हैं DCT ये ओपन होता है कलेक्टिंग ट्यूबल्स में। इसके बाद नेक्स्ट है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, इसमें क्या द लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दैट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम DCT, जो ये नेफ्रॉन होते हैं उसका लास्ट पार्ट होता है और जो कि DTC यूरिन को कलेक्ट करता है अपने अंदर। नेक्स्ट है इट कनेक्ट DCT टू रेनल पैपिला, रेनल पेपिला और डीसीटी में
कनेक्ट करता है, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो हमने आज किया है नेफ्रॉन, तो ये नोट्स है, आप इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट में आपको ये टॉपिक मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।